चलो सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, देखो तुमसे होता है। अगर नहीं होता है तो फिर इसको मेरे सोल्यूशन देखो और देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ए गिवन सिंपल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम वी एट प्रेशर पी, पी प्रेशर पे भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, मास ऑफ इच मॉलिक्यूल दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द डेंसिटी ऑफ गैस। अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी कैसे निकालूंगा यार, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड मास ऑफ द गैस, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास और ये यहाँ से आ जाएगा मुझे। अब अगर मैं इसको लिखूँ पी, वॉल्यूम को लिखूँ मैं मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मॉलिक्यूलर मास ध्यान देना और आर टी, तो एम ने एम को ख़त्म कर दिया। अब जो पी वाई रो की वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी वो आ जाएगी आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब जो आर होता है गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के और मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, ये पढ़े हो गए आप। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है वो के एन ए टी अपॉन एम के इक्वल होती है। एक्चुअली इधर रिलेशन बहुत ज़्यादा है यार, तो कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। डरना नहीं, घबराना नहीं, हारना नहीं, चलते रहना, लड़ना, डीमोटिवेट नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमें क्या इन्वॉल्व करना, मास, हर एक गैस का मास दिया था, हर एक गैस के मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ था, तो जो कंप्लीट ये एम अपान एन होता है दैट इज एम के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन गैस एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, ये आप पढ़े होंगे, सो मेनी रिलेशन। तो एन को उठा के नीचे लाऊं तो यह जाएगा के टी और स्मॉल एम पी वाई रो, इसका मतलब है कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू स्मॉल पी एम और के टी अंडर डिवाइडेड बाई के, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर है, एम पी के टी दैट इज़